नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर के सैजनवा में संपूर्ण समाधान दिवस एडीएम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीएम की मौजूदगी भी रही तो वहीं जनता की 83 समस्याओं को यहां सुना गया। इस दौरान राजस्व के सर्वाधिक मामले सामने आए तो बाकी अन्य विभागों के संबंधित मामले थे। हालांकि किसी भी मामले का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका तो अधिकारियों को इनके निराकरण के लिए निर्देशित किया गया तो पुलिस के संबंधित मामलों में उचित जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस दौरान तहसीलदार ब्रजमोहन शुक्ला के साथ वीडियो सुरेश मौर्य व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर के बांसी में समाधान दिवस का आयोजन कमिश्नर गोविंद राजू की अध्यक्षता में डीआईजी अनिल कुमार राय की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान 44 मामले सामने आए जिसमें से 5 मामलों में तुरंत निस्तारण किया गया तो बाकी के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान बांसी एसडीएम जग प्रवेश के साथ वीडियो व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट ने अब काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लांट में 10 बेड पर मरीजों को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है तो इसके शुरू होने के बाद मरीजों को अब ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पीएम केयर फंड से जनपद में यह प्लांट स्वीकृत हुआ था। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी के अनुसार 100 एलएमपी का ये प्लांट शुरू किया गया है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता मरीजों को आसानी से होगी तो सीएससी पर भी प्लांट का कार्य जारी है। हमारे ज़िले में 7 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं, क्रियाशील यानी चलने वाले। कल एक हमने इसलिए किया कि जैसे कि अभी हमें इससे ज़्यादा जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास 750 बेड के ऑक्सीजन देने की पूरी कैपेसिटी, सब पूरा तैयार है, क्रियाशील है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 6 इसमें हमारे जिला अस्पताल में, 1 हमारे बर्डपुर के पीएससी पर है, 7 के साथ वो क्रियाशील, और आने वाले समय 3 और ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं जो हमारे इटवा पीएससी के लिए, बेवा पीएससी और सोहरतगढ़ के लिए। अभी जो कल जो शुरू हुआ है वो कितने बेड से हमारे कवर हो जाएंगे? अभी उसे तो 100 एलपीएम का चालू हुआ है और अभी तत्काल में हमें 11-12 बेड राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अगर यूज़ करें तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जरूरत होगी हम एक एक बटन ऑन करते हुए जाएंगे। हमें लगभग 750 बेड के ऑक्सीजन देने की तत्काल मेरे पास पूरी कैपेसिटी। सूबे में भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश को स्वच्छ बनाने का दावा किया गया था लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते गांव में हालात अभी भी बदतर हैं। मामला हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक के नदेहरा गांव का है जहां गंदगी का आलम चहुंओर देखने को मिलता है तो नालियां भजभजा रही हैं तो सड़कों पर लोगों का निकलना दूभर है। ऐसे में कई प्रधान बने और अपना कार्यकाल पूरा कर जाते रहे लेकिन गाँव की दशा ज्यों की त्यों है। अब ग्रामीण अपने गाँव की बदहाली के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। न निकल पा रहे बच्चे, न कोई यहाँ से बस चारों कोई थी, फिर कई पंचवर्षीय होगी, कोई गली की परेशानी, इतनी परेशानी, कोई नहीं निकल पा रहा यहाँ से। अच्छा, नाला बह रहे, गंदगी है, कोरोना भी चल रहे, घूर सामने डाल रहे हो मड़े, कोई मानता ही नहीं है यहाँ। कौन सा गांव है ये? नदेहरा। ये रास्ता कम से कम 15 साल हो गए, हर प्रधान पंचवर्षीय में कोई काम नहीं होता यहाँ, और बच्चों को जाना स्कूल जाना दिक्कत होती है, शादी ब्याह में यहाँ दिक्कत होती है। नहीं तो कभी उच्च अधिकारियों को आप लोगों ने, गांव वालों ने अवगत नहीं कराया? सभी से हर जगह इसका जांच करवाई, आते हैं चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। पार्टी लिए लिए गिर जाते हैं, हमको बड़ी मुसीबत है, हम क्या करें, कोई निकलने नहीं, कोई अपने चौतरा से नहीं जाने देता तो हम गिर जाते हैं, गोबर नहीं डाल पाते, पानी नहीं भर पाते। आप हमसे 10 साल से हम ऐसे परेशानी में हैं, रोज लड़ाई भी होती है, किसी के चौथरे में चढ़ जाते हैं, वो भी मार के ढकेलते हैं नीचे। तो आपने कभी शिकायत नहीं करी इसकी? खूब की है शिकायत, कोई प्रधान नहीं सुनता हमारा। साहब लड़का नहीं निकल पावत, आदमी नहीं निकल पावत, पानी नहीं भर पाते, गोबर नहीं डाले जा पावत, कहाँ लगे बेड़े रान। कब से ये सड़क ऐसे पड़ी है? या कम से कम 10-15 साल होगी। हमें ये डगर बनवा दे, हमें बड़ी दिक्कत है। कब से दिक्कत है? ये हमें बहुत दिक्कत थी लाला, अब इस साल के साल भी गई, हमें साल के साल की बहुत हैं, या हम अब निखरे के मारे नहीं, ये जाने कब से हुई, कम से कम 10 साल हुई गए, पूरी साल हमें ऐसे निखर जाते चौमासे में, यहीं का गांव का पानी बहाते तो खबर खबर करत कर भैया जा रही हैं ना, हमें बड़ी मुसीबत थी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।